एक गलती हो चुकी है, मैंने अभी अपना सारा सामान चेक किया भाई साहब, बता रहे डिफ्यूज़र लाना भूल गया, खाली डिफ्यूज़र लाना भूला, लेकिन हम कुछ ना कुछ जुगाड़ करके बढ़िया शूट कर लेंगे। पता नहीं आज कैसे भूल गया, अम्ब्रेला भी होता ना तो भी काम बन जाता, बाकी देखते हैं कैसे करना है, लेकिन कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हम कर ही लेंगे। अभी थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे और उसके बाद हम शूट स्टार्ट करेंगे, और आज के शूट में ये भाई हमें हेल्प करेगा BTS में। भाई आपका नाम? अंशुल। तो ये अंशुल भाई हैं जो हमें आज थोड़ा असिस्ट करेंगे, थोड़ा हेल्प करेंगे शूट में, तो बाकी थोड़ी देर बातचीत करते हैं भाई से और फिर शूट स्टार्ट करते हैं। ये बता खिला क्या रहा है? क्या खाएगा बता? तू बता, आज हम तुम्हारे दर पे आए हैं भाई, जो तू खाए सब मिल जाएगा बस। सब वैसे एक चीज़ बताओ, एक चीज़ बताओ, इस दरवाजे का कोई फायदा नहीं है। नहीं, यहाँ से आ जाओ अभी, वो लगेगा ना यहाँ पे। लाइटिंग अच्छी आ रही है वैसे यहाँ से ना, नेचुरल लाइट नहीं, नेचुरल लाइट भी अच्छी आ रही है। तो गाइस ये अनुज की बॉडी मैंने बनवाई थी, किसी को बताता नहीं है, इसको मैंने ही ट्रेन किया है, सच बता दे अब। हाँ जाओ आप, इसी बात में अपना पेट दिखा दे कैमरे में। भाई मैं मिस्त्री हूँ, मेरा खुद का घर नहीं है, दूसरों का बनवा देता हूँ। ठीक है ठीक है। वैसे अकेला आया हूँ तो रास्ता बहुत बड़ा लग रहा था, वैसे तो 20 मिनट ऐसे लगते, 20 मिनट पहुँच गए, लेकिन आज 20 मिनट तो नहीं है, घंटा हो गया मुझे यार। अरे घंटा हो गया, वही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन आराम से आया हूँ, मैंने आराम से चलाना स्टार्ट, वैसे मैं आराम से चलाता हूँ गाड़ी, देखा है मैंने भाई। अच्छा सॉरी आंटी देखती है ना, हाँ आराम से चलाता है, आराम से चलाता हूँ, आराम से चलाता है आंटी, आंटी। अब हम शूट स्टार्ट कर रहे हैं, और जो आज का शूट है वो एक ब्रांड के लिए, कभी जो कुछ शॉट्स लेंगे वो हम टेरेस पे लेंगे। रेडी है? एक और आ रहा है। तो गाइस पहली फोटो ले रहे हैं, ये एक ब्रांड के लिए शूट है, पर प्यूमा के लिए नहीं है। बोलिए तो हम ट्रायल के लिए ले रहे हैं फोटो है। इससे अच्छा ब्रांड शूट करेंगे भी हम, पास हो जाएगी तो। तो अगर कोई पूना और बियोटन में से कोई फोटो भाई को पसंद आए तो दूसरे से भी कर लेंगे। बेस्ट चेंज पोज, पोज पोज। ये देखो व्लॉगिंग चल रही है, व्लॉगिंग चल रही है भाई, अप्रोच करें, व्लॉगिंग नहीं व्लॉगिंग, व्लॉगिंग चल रही है, व्लॉगिंग हो गया शूट। हां ठीक है। तो गाइस जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं अपना डिफ्यूज़र लाना भूल गया हूँ, लेकिन मैंने अभी अपना बैग चेक करा तो उसके अंदर एक डिफ्यूज़र रखा था, बाकी उसको लगा के देखते हैं फिर हम ऑन करके इसमें फ्लैश लगती है या नहीं, बाकी मेरे पास ये पड़ा था इसमें लगेगा जो डिफ्यूज़र है, बस ट्राई करके देखते हैं, अगर लगता है तो ठीक है, वरना फिर कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। भाई देखो आगे जो मैं आपको फोटोज़ दिखाने वाला हूँ वो सारी रो फोटोज़ होंगी, मैंने उनको बिल्कुल भी एडिट नहीं किया है, ना ही मैंने उसमें स्किन रिटच करा है और ना ही कोई भी कलर ग्रेडिंग करी है। तो ये मैंने इसलिए करा है क्योंकि इससे आपको सीखने को मिलेगा कि बिना कलर ग्रेडिंग के भी, बिना एडिटिंग के भी फोटोज़ काफ़ी अच्छी आ सकती हैं। तो अगर लेंस चेंज कर रहा हूँ, जो मैं लेंस अब यूज़ करूँगा वो है 28-75 टैमरॉन का, इसकी क्वालिटी और काफ़ी शार्प है ये लेंस। पहली जो लोकेशन है, जो स्पॉट है जहाँ हम शूट करने वाले हैं, यहाँ पे हम करेंगे स्टार्ट करते थे। अनुज वाली बेंच में ना बैठ जा, इसको हाथों में रख ले, नीचे मत रख, इसको थाइस पे रख लो ना एक, हाँ खींच लियो बस, क्योंकि वो होगा ना मैं कपड़े उतार के भी तो खींचूंगा। हाँ तो एक काम कर, इन इनको देख, इनको देख बस ना, इनको या तो ये हटा देता हूँ। हाँ इसको हटा दे, कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने बैग में। अरे वो नहीं जाइए भाई वहाँ से, कैसी बात कर। जब भी पंप वगैरह कर रहा है अपनी बॉडी को, थकी थोड़ी सी वस्कुलरिटी वगैरह है, वैसे तो मैंने उसको इतना अच्छा ट्रेन किया है तो उसकी वजह से जरूरत नहीं है। सुन,
भाई मैं अपना ठीक आ रही है। चल रेडी। हाँ भाई चल खींच के अच्छे से। बहुत सही। खींच के अच्छे से। पकड़े मत, छोड़िए मत। बहुत अच्छी आ रही है, बहुत सेक्सी, बहुत वेरी नाइस। पकड़े रहे ऐसे ही, एक वाइड और ले लेता हूँ। वेरी नाइस। तो गाइस शूट करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी सारे आउटफिट्स हैं तो अभी इसलिए टाइम लग रहा है। उसके बाद हम बॉडी पे आएंगे, बॉडी शूट्स भी करेंगे काफ़ी। तो गाइस हमने 12 बजे शूट स्टार्ट करा था और अभी टाइम हो रहा है 3:10। तो देखो इतना टाइम लग गया। बाकी सारे शॉट्स हम नहीं ले पाए क्योंकि मेरे इस वाले कैमरे की जो बैटरी थी वो ख़त्म हो गई थी, तो थोड़ा सा इसे चार्ज किया है तो इसलिए हम एंड अप शूट कर रहे हैं। बाकी अनुज में कैसा लगा? मज़ा आ गया। बाकी आप देखना, फोटो ज़रूर देखना और बताना कि कैसी लगी।